सोलो फ्रेंड आज है फ्राइडे 27 मई और 2022। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट। और यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी 231 पॉइंट अपसाइड है गैप अप, और निफ्टी 126 गैप अप। और मैं ज़्यादातर मंत्री और मारुति में स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। ये आप देखेंगे 120 पॉइंट है और 101 पॉइंट मंत्री है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे माइंट्री को, आज हम माइंट्री में ट्रेड कर सकते हैं पहला ट्रेड अपना। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरा जो कल मैंने एनालाइज किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको बाई करूँगा अराउंड यहाँ पर ये वाला, बट जो जो हमारा टारगेट रहता यही रहता, और आज ये गैप अप भी वहीं पर हो रहा है। सो आज के दिन मार्केट इतना बुलिश है कि लग रहा है कि सेलिंग में बहुत ज़्यादा सही नहीं पड़ेगा हमें। सो आज हम इसको बाई करने का ही प्रयास करेंगे कि बाई हो जाए हमसे, मतलब बाई करने का जो पैटर्न कोई ढूंढेंगे या कैंडल ढूंढेंगे, सेलिंग में कम अपना व्यू रखेंगे। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हैं, अगर हमको यहाँ पर मिल जाता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। अगेन हम यहाँ तक का मान लीजिए 40 पॉइंट, और इसको हम रखेंगे अराउंड 30 पॉइंट। यहाँ पर हम रख के एक ट्रेड डाउन साइड का कर सकते हैं, अराउंड मार्केट यहाँ तक आएगा, मोमेंटम बहुत तेज होगी उसकी। 2800 इसका जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इस यहाँ तक आएगा, हो सके थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ तक इसका जो अपना वीक होता है वो बना दे। सो लेकिन मोमेंटम बहुत तेज होगी इसकी मार्केट खुलते ही, और डाउनफॉल इसको एक बार करना है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, एक बार नीचे आएगा ये। सो यहाँ पर अगर हम पकड़ पाते हैं मार्केट को तो बहुत अच्छा होगा। देन हम यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज आज हम बाई करेंगे। सो देखते हैं एक बार, हम आपको दिखाते हैं बैंक निफ्टी क्या हाल चाल है। सो यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी भी अपने अच्छे खासे मोमेंटम को अच्छा खासा गैप अप किया है बैंक निफ्टी भी, और ये हमारा जो 35,000 का साइकोलॉजिकल नंबर था इसको भी इसने ब्रेक किया है। कल ही ब्रेक हो गया था और उसके ऊपर गैप अप हुआ है 231 पॉइंट का। तो यहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं बहुत आराम से, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर बाई कर सकते हैं। सो 9:13 हो चुका है, 14 मिनट हो गया। सो वेट करते हैं, देखते हैं कि, और जैसे ही मैंने बटन दबाया सेल साइड का, देन तुरंत मार्केट डाउन साइड हो गया और हम जो मोमेंटम था उसको कैश नहीं कर पाए। सो अब दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। सो वेट करते हैं थोड़ी देर, और देख सकते हैं कि मैंने मारुति में अपना एक पोजीशन क्रिएट किया है ओनली टू क्वांटिटी। सो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो अपना SL रखा है वो सिर्फ 50 पॉइंट का रखा है, और जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। ओके सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये जो अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, यहाँ ये बुलिश है मार्केट आज। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये एक बुलिश पैटर्न ही है, और इसी बेस पे मैंने जो ट्रेड लिया है इसी बेस पे लिया है। ओके ये है, तो इस हिसाब से इसको अपसाइड के लिए मार्केट बना है अभी इस समय। और यहाँ से अगर ये जो कैंडल है इसको 50% ब्रेक कर देता है, ये जो कैंडल ये बनी थी ये, इसको अगर 50% ब्रेक करके यहाँ तक आके ये क्लोज दे देता है पहला कैंडल, देन ये है कि मार्केट अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा। सो वेट करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कि कितने पॉइंट कैच कर पाते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होगा हमारा लेना देना, सिर्फ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कितना पॉइंट हम यहाँ पर ले पाते हैं। ओके सिर्फ पॉइंट हम कैच करना चाहते हैं, कितने पॉइंट तक हम कैच कर सकते हैं इसको, बस। ओके वेट करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम अपना ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 7900 जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर उसको ब्रेक कर चुका है, यहाँ से मार्केट आराम से घूम जाएगा एक बार। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ट्रेड था उसको मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। ओके एक मिनट, एग्जिट अभी हो नहीं रहा है, एक मिनट मोबाइल से कर देता हूँ मैं। मोबाइल से करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो कैंसिल ऑर्डर करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा था इसलिए ये कैंसिल नहीं हो रहा था। सो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो भी कम हो गया, और यहाँ पर भी थोड़ा सा भी और वेट करते हैं, यहाँ पर एक बार और अपसाइड का मोमेंटम करते हैं बस। देन यहाँ पर हम जो अपना ट्रेड है उसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर क्या है ये जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये देखिए ये है हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर जो कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है मार्केट में। तो इसके चलते हमको यहाँ पर अपने ट्रेड को कैंसिल करने का मैंने सोचा, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ये भी मार्केट में हर सिनारियो को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। सो जो हमारा एसएल रहेगा उसको मैंने अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा लॉस तो होगा नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में हम बाहर आ सकते हैं यहाँ मार्केट में। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या हो सकता है आगे। ये एक बार और ब्रेक कर देगा, एक चीज़ यहाँ पर और है, अगर मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करके यहाँ प्राइस सस्टेनों के अपसाइड करेगा देन मार्केट बहुत अच्छा आज अपसाइड की मोमेंटम में रहेगा। तो ये जो हमारा एक देखिए क्लोज हुआ कैंडल, यहाँ पर क्लोज हुआ बहुत अच्छा है, ये डाउनसाइड आ तो रहा है, अगर ना आए तो बहुत अच्छा है कि आज मार्केट अपसाइड के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम में देगा अपसाइड के लिए। सो वेट करते हैं थोड़ा सा। सो अगर आप इस सिनेरियो को देखते हैं, ये वाला ये जो एक पूरा कैंडल बना है तीनों, ये बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल पैटर्न होता है। सो अगर जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो रहा है अभी, ये अगर इस वाले कैंडल के ऊपर चला जाता है देन मार्केट आज अपसाइड बहुत अच्छा मोमेंटम करके जाएगा 50 से 100 पॉइंट का। एक बार मार्केट मोमेंटम करेगा अराउंड 8000 तक, उसके बाद ये अपसाइड या डाउनसाइड आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक एक बार मार्केट फिर आएगा अगर इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट आज ये मतलब जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो रहा है ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद डाउन साइड आएगा थोड़ा सा, उसके बाद चाहे फिर उसके बाद नीचे आ सकता है ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ तक एक बार ज़रूर आएगा अगर इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो। सो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। नाउ सो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को क्लोज करता हूँ। ओके क्लोज पोजीशन, एंड हमने यहाँ पर अराउंड 70 पॉइंट हमने कैश किया है यहाँ पर। सो स्टॉक में 70 पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ से पोजीशन लिया था और 799 ये ओके 70 ने यहाँ पर मैंने 57 मतलब 60 पॉइंट अराउंड यहाँ पर मैंने कैच किया है, और जो प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, बट 113 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिख रहा है। सो अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया है, और ये जैसे इसको ब्रेक करता है देन 8000 का जो पॉइंट है यहाँ तक टच कर जाएगा ये वाला। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको शाम तक तो लग ही जाएगा ऐसे, तो ये नहीं तुरंत पहुँच सकता है। मार्केट का घूमने का जो चांसेस है यहाँ से है कि यहाँ से मार्केट एक बार अपसाइड के लिए सॉरी डाउन साइड यहाँ से आ सकता है यहाँ तक, ओके यहाँ से मार्केट घूमेगा नीचे एंड देन
लो, फिर हाई, लो हाई करते हुए अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। सो जो जिस टारगेट के लिए मैं वेट कर रहा था, सो वो टारगेट भी अराउंड अचीव हो गया है, बट मैं ट्रेड से पहले ही बाहर आ चुका हूँ। मैंने 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर जो अपना टारगेट था वो मैंने रखा था, बट यहाँ पर 84 पॉइंट और 90 पॉइंट, 93 पॉइंट, और इस तरह से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, हो गया 100 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो टारगेट था यहाँ पर हो चुका है, बट मैंने पहले एग्जिट मार दिया था अपने ट्रेड से। तो एनालिसिस हमारी बहुत सही थी, बट मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लॉजिकल जो अपना एग्जिट होता है, मैंने उसको मान लिया, लॉजिकल पर मैंने एग्जिट कर लिया, बट जो हमारा एनालिसिस था वो बहुत अच्छा था। इसी तरह की और लाइव ट्रेडिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।